15 फरवरी को जींद में होने वाली अमित शाह की रैली को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा रोकने के ऐलान के सामने सरकार झुकती नजर आ रही है। इस ऐलान के बाद सरकार तथा जाट आरक्षण समिति के बीच जो बातचीत हुई थी उसी को लेकर जाट समुदाय पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। आज सदर थाना व शहर थाना में दर्ज 3 मुकदमों को वापस लेने संबंधित आदेश थानों में पहुंच चुके हैं। इन मुकदमों में जाट आरक्षण संघर्ष द्वारा लगाए गए जाम व सरकारी संपत्ति का नुकसान करने के सैकड़ों लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे, जिन्हें आज वापस लेने के आदेश आ चुके हैं। इस बात की पुष्टि थाना सदर प्रभारी ने भी कर दी है। जो फरवरी 2016 के जाट आरक्षण के दौरान हमने सदर टवाणा के रोड जाम के 2 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें एक कोला का था और एक सीमेंट गांव का था, और जिनमें करीब 33 आदमियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जो अब सरकार की तरफ से आदेश आए हैं इनको विड्रॉल करने के, और जो उच्च अधिकारियों के आदेश से और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके जो आदेश होंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इंडेक्स प्रेस के लिए चौहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।